कहते हैं कि मैं नजफ़ से आ रहा था और ज़मीनी रास्ते से जैसे ही मैं ईरान में दाखिल हुआ ईलाम के बॉर्डर पे, बहुत शदीद बर्फ़ थी और शाम भी हो गई थी और रास्ता भी पहाड़ी है, गिरदान है उसके अंदर। कहा कि शाम थी, बर्फ़ थी, तो मैंने देखा कि ये रात को ये सफ़र तय करना ख़तरनाक है। तो मैंने एक जगह देखा कि कहवा खाना था, तो मैंने कहा मैं यहाँ रात गुजार लेता हूँ और फिर सुबह निकलूँगा। लेकिन जैसे ही मैं रात वो अंदर गया कहवे खाने में, तो मैंने देखा ओबाज किस्म के लोग बैठे हुए मस्तियों में और कुमार में मसरूफ़ थे। अब मैंने कहा कि मैं इनको अम्र बिमारूफ कहूँ कि जो इनके ऊपर असर नहीं करेगा, और दूसरा मैं अगर इनके पास बैठकर इनको देखता रहूं तो ये मेरे लिए गवारा नहीं है। तो ऐसे में मैंने देखा कि मुझे बाहर से आवाज़ आई कि सैयद इधर आओ। तो एक शख्स दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, कहा कि इधर आओ, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कहते मैं उनके पास बैठ गया और बैठा रहा, ना दरख्त के नीचे मुझे सर्दी का एहसास हुआ ना मुझे बर्फ़ का एहसास हुआ। सुबह हुई, नमाज पढ़ी उस सैयद के साथ जिसने मुझे बुलाया था, और फिर उसके बाद जब रोशनी निकले कहा कि अब सफ़र शुरू करते हैं। कुछ रास्ता में चला तो मुझे एहसास हो गया कि ये कोई और नहीं वक्त के इमाम हैं। कहा मैंने मौला को, कहा तो मौला ने मुस्कुराए और कहा कि अब तुम मुझे पहचान ही गए हो, तो बस अब मैं तुमसे इजाज़त चाहता हूँ। कहा कि नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। कहा नहीं, हमारे साथ जाना मुमकिन नहीं है। तो कहा मौला मैं कहीं और आपकी ज़ियारत करूँगा। कहा हाँ, जब तुम कुंभ पहुँचोगे तो वहाँ पे, और इसी सफ़र में जब तुम सब्ज़ाज़ार खुरासान पहुँचोगे तो वहाँ हमारी तुमसे मुलाकात दोबारा होगी। हम कहा इसी शौक़ से जब मैं पहुँचा कुंभ तो फिर मेरी मौला से, मैं 3 दिन वहाँ रहा मगर इमाम से मेरी मुलाकात नहीं हुई। बड़ा दिल बर्दाश्ता होकर मैं वहाँ से निकला और सब्ज़ावार जब पहुँचा तो मेरे दिल में यही था कि यहाँ तो मुझे मौला मिलेंगे लेकिन वहाँ इमाम क्यों नहीं मिले, इमाम ने तो कहा था। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरे पीछे से हाथ आया इमाम का और इमाम मुझे वहाँ मिल गए। तो मैंने मौला से कहा, मौला आप मुझे वहाँ क्यों नहीं मिले कुंभ में? कहा नहीं, मैं आया था जब तुम हरम के दरवाजे के बाहर किसी तहरान की खातून के मसले का जवाब सर झुका के दे रहे थे तो मैं तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ था। अज़ान मोहतरम, खूब इमाम बराबर में होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? इमाम ऐसा नहीं है कि इमाम को पता नहीं है। खुद इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारे आमाल 2 बार हमारी खिदमत में पहुँचते हैं। अब क्या पहुँचते हैं ये तो मैं जानता हूँ या खुदा जानता है, तीसरा तो कोई शख्स नहीं है। अज़ान मोहतरम, इमामत मसला बहुत मुहिम है। बग़ैर इमाम के उम्मत नहीं हो सकती, और बग़ैर उम्मत के इमाम अपने उन कामों को अंजाम नहीं दे सकता। उम्मत होगी तो इमाम ज़हूर फरमाएंगे।